21 फरवरी 1829 को कर्नाटक की लक्ष्मीबाई रानी चेन्नम्मा का निधन हुआ था। रानी चेन्नम्मा कित्तूरू की रानी थी जो कर्नाटक में है। अंग्रेज अपनी हड़प नीति के तहत कित्तूरू पर कब्जा करना चाहते थे, जिसके बाद अंग्रेजों और कित्तूरू के बीच युद्ध हुआ। अंग्रेजों ने 20,000 सैनिकों और 400 बंदूकों के साथ हमला कर दिया। फिर भी इस लड़ाई में अंग्रेजी सेना को ही भारी नुकसान उठाना पड़ा। अंग्रेजों के कई अधिकारी इस युद्ध में रानी चेन्नम्मा की सेना द्वारा मारे गए और कईयों को बंधक बना लिया गया, जिसके बाद अंग्रेजों ने वादा किया कि अब वे कित्तूरू के साथ युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन ये उनकी बस एक चाल थी। अंग्रेजों ने दोबारा युद्ध छेड़ा। रानी चेन्नम्मा की सेना में कम सिपाही होने के कारण वे युद्ध हार गईं, जिसके बाद अंग्रेजों ने रानी चेन्नम्मा को बेलहोंगल के किले में कैद कर लिया। यहाँ 21 फरवरी 1829 को उनकी मौत हो गई। भले ही रानी चेन्नम्मा अंग्रेजों से हारी, लेकिन उन्होंने बहादुरी से अंग्रेजों का सामना किया। रानी चेन्नम्मा का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। उनकी वीरता को युगों युगों तक याद किया जाता रहेगा। 21 फरवरी 1899 को हिंदी कविता के छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों में से एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। निराला को आधुनिक हिंदी काव्य का जनक भी माना जाता है। निराला की रचनाओं में भावनात्मक गहराई, भारतीय समाज की समस्याओं के प्रति चिंतन, धार्मिक और आध्यात्मिक पहलू और व्यक्तित्व के विकास के विषय में विचार व्यक्त किए गए हैं। उनकी कविताओं का विषय विविधता रहता है, जिसमें प्रेम, प्राकृतिक सौंदर्य, विचार, सामाजिक चेतना और आत्म साक्षात्कार शामिल है। निराला की प्रमुख रचनाओं में सरोज स्मृति, वह तोड़ती पत्थर व वर्दे वीणा वादनी वर्दे शामिल है। कविता के अतिरिक्त तो उन्होंने उपन्यास, कहानियां, निबंध, आलोचना और संस्मरण भी लिखे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जा रहा है। विश्व में भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए और कई मातृभाषाओं के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1999 में यूनेस्को ने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की थी। पहली बार इस दिन को बांग्लादेश में मनाया गया था। फिर वर्ष 2000 से विश्व भर में यह दिवस मनाया जाने लगा। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की थीम है बहुभाषी शिक्षा, अंतर पीढ़ीगत शिक्षा का एक स्तंभ। सबसे पहले इस दिन को मनाने की शुरुआत बांग्लादेश से होने के पीछे का कारण है कि जब 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तब पाकिस्तान भौगोलिक रूप से दो हिस्सों में बट गया, पहला पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान। पाकिस्तान ने उर्दू को देश की मातृभाषा घोषित किया, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला भाषा अधिक होने के कारण वहाँ बांग्ला को अपनी मातृभाषा बनाने के लिए संघर्ष शुरू हुआ। 21 फरवरी 1952 को ढाका विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी मातृभाषा का अस्तित्व बनाए रखने के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू किया, लेकिन यह विरोध प्रदर्शन जल्द ही एक नरसंहार में बदल गया। तत्कालीन पाकिस्तान सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 16 लोगों की जान चली गई। मातृभाषा के लिए हुए इस बड़े आंदोलन में बलिदानी हुए लोगों की याद में ही 1999 में यूनेस्को ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने की घोषणा की थी।